टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ तहसील में पदस्थ एक पटवारी को लोकायुक्त पुलिस सागर द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। नामांतरण आदेश को कंप्यूटर में दर्ज कराने के एवज में 10,000 की रिश्वत की मांग की गई थी, लेकिन फरियादी ने लोकायुक्त से मिलकर पटवारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़वा दिया। लोकायुक्त TI मंजू सिंह ने बताया कि तहसील क्षेत्र के कैलपुरा गाँव निवासी राहुल राय पुत्र गोपाल राय उम्र 28 वर्ष द्वारा रजिस्ट्री कराने के बाद नामांतरण का आदेश तहसीलदार से करवाया गया था। आदेश को कंप्यूटर में दर्ज करवाने के लिए पटवारी कन्हैया लाल मोघिया उम्र 49 वर्ष राहुल राय लगातार मिन्नतें कर रहा था, लेकिन वह लगातार रुपयों की मांग कर रहे थे। इसी बीच राहुल राय ने लोकायुक्त से संपर्क कर रिश्वत की मांग को लेकर शिकायत की। सागर लोकायुक्त ने शिकायत होने के बाद पुलिस ने राहुल को एक टेप रिकॉर्डर दिया, जिसमें पटवारी की बातचीत रिकॉर्ड की गई। इसके बाद 10,000 के केमिकल लगे हुए नोट राहुल को दिए गए, जो बुधवार को पटवारी को देना तय हुआ। बुधवार को सुबह तहसील कार्यालय में जैसे ही पटवारी मोघिया पहुंचे और राहुल राय ने रिश्वत रूपी केमिकल लगे हुए 10,000 उन्हें थमा दिए। पैसे लेने के बाद पटवारी कुछ समझ पाता तब तक लोकायुक्त की टीम ने दबोच लिया। टीम में शामिल TI मंजू सिंह और अभिषेक वर्मा सहित अन्य स्टाफ पहुंच गया और उन्होंने तत्कालीन ट्रेप कर कार्यवाही कर विवेचना शुरू कर दी। लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। आवेदक राहुल राय निवासी कैलपुरा और तहसील बलदेवगढ़ द्वारा दिनांक 7/3/2022 को हमारे कार्यालय में आकर के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को एक लिखित शिकायत पत्र दिया गया था, जिसको हमने तस्दीक किया। तस्दीक पर हमने पाया कि कन्हैयालाल पटवारी, जो हल्का नंबर 24 के पटवारी हैं, उनके द्वारा उसके पिता के द्वारा जो जमीन क्रय की गई है आवेदक के पिता के द्वारा, उस जमीन का नामांतरण हेतु जो उन्होंने पटवारी प्रतिवेदन तैयार किया है, तो तैयार पटवारी प्रतिवेदन और नामांतरण आदेश को कंप्यूटर में फीड करने के एवज में 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी, जो सत्यापन पर ये पाया गया कि उसके द्वारा जो रिकॉर्डिंग के दौरान हमने पाया कि उसके द्वारा 10,000 की रिश्वत की लेने के लिए सहमत हो गया है, जो आज हमारे द्वारा उसे 10,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। कार्रवाई कितने बजे शुरू हुई है? कार्रवाई हमारी करीब 1:45 के लगभग शुरू हुई। तो रंगे हाथों मतलब उसके किस चीज़ में उसने पैसे रखे थे? आवेदक द्वारा उसके जब उसको रिश्वत राशि दी गई है, तो आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लेकर के अपने पैंट के दाहिने जेब में रख लिया गया था, जो हमारे पंच साक्षियों द्वारा दस्तयाब किया गया। किस प्रकार के नोट थे? 500-500 रुपये के नोट हैं। 10 नोट होंगे जी। मैम, मैंने देखा है लोकायुक्त के द्वारा कार्रवाई होती है जी जी, लेकिन कई बार देखा जाता है इन मामलों में कोई आगे बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, क्या कारण है इस प्रकार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं? नहीं, बड़ी कार्रवाई से क्या तात्पर्य है, मेरा ये कहना है कि ये सारी हमारी कार्रवाई आवेदक के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आवेदक किसी बड़े अधिकारी का बड़ी राशि का हमारे पास कंप्लेन करता है, तो हम डेफिनेटली उसकी कार्रवाई करते हैं, लेकिन आवेदक के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर किसी छोटे पद के व्यक्ति की शिकायत करता है, तो हमारे द्वारा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।